चेतन हंसराज हुए लॉकअप शो से लॉकआउट। करण कुंद्रा ने लिया अपनी बेइज्जती करने का उनसे बदला। क्या है पूरा मांजरा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल लॉकअप से चेतन हंसराज एविक्ट हो गए हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि चेतन हंसराज करण कुंद्रा को गाली देते हैं और बोर्ड पे लिखे जेलर को टेलर बनाते हैं। आपको बता दें कि चेतन हंसराज ने करण कुंद्रा के पीठ पीछे उनकी बुराई की थी और काफ़ी गंदी गंदी गालियां भी उन्हें दी थी। हालांकि करणवीर बोहरा ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन चेतन कहते हैं कि वो किसी से नहीं डरते। और फिर जब जेलर करण कुंद्रा जेल के अंदर आते हैं और तब वो चेतन हंसराज को वार्निंग देते हैं। करण चेतन से कहते हैं कि वो उनसे एज में बड़े हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उन्हें बस इस शो से निकाल रहे हैं। साथ ही करण ये भी कहते हैं कि अगर चेतन उनसे उम्र में छोटे होते तो पता नहीं करण क्या कर बैठते। और जब करण कुंद्रा चेतन को निकलने कहते हैं तो चेतन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने भी लगते हैं। हालांकि चेतन ने कई बार उनसे सॉरी भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे ऐसी गलती दोबारा ना होगी, एक चांस दे, लेकिन करण नहीं मानते। और शो के मेकर्स ने करण कुंद्रा के इंसल्ट करने की वजह से चेतन को लॉकअप से लॉकआउट कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पे? क्या लॉकअप शो में जो एक्शन लिया गया चेतन हंसराज के खिलाफ, क्या वो बिल्कुल सही था या फिर चेतन का एविक्शन अनफेयर था? आपको क्या लगता है कमेंट कर हमें बताएं। लॉकअप के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप। तो